गुड मॉर्निंग आप सभी को। आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि उनका जो जीवन था वो कैसा था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ लोग ऐसी जगह खेती करते थे जैसे हम स्थानांतरित कृषि कह रहे थे। तो 19वीं सदी से पहले की बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। ये हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन में पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते हैं। अर्थात जो लोग घूम घूम कर खेती करते थे वो कम सभ्य हैं, जबकि जो एक जगह रहकर खेती करते थे उनको इन लोगों ने सभ्य माना है। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी था। अर्थात जो लोग घूम घूम कर खेती कर रहे थे उनको भी एक जगह स्थायी बनाकर रखना आवश्यक है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें किस तरीके से बदला। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला हुआ था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, अर्थात उन्हें टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना भी होता था। अर्थात अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया कि जो वो उनके मुखिया होते थे उनको प्रतिनिधि बना दिया। अब प्रतिनिधियों की ये एक तरीके से जिम्मेदारी हो गई कि उनके जो लोग हैं उनको वो अनुशासन में रखे। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने लगे और उनसे वो लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकार हो क्या हुआ, अर्थात जो घूम घूम कर जो खेती करते थे उनका क्या हुआ? तो ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह का एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है, अर्थात जो खेती करेंगे उस खेती पर जो लगान देना पड़ेगा वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में हमने पढ़ा भी है, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को, अर्थात झूम काश्तकार मतलब जो वनों को काट कर जो खेती करते थे, को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत ही कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती के लिए छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। पहले क्या था कि किसी प्रकार की कोई वनों को काटने पर या वनों में रहने पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने वनों से संबंधित कुछ कानून बना दिए जिनकी वजह से जो आदिवासी लोग थे वो परेशान हो गए। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया
और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूमिंग खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह ज़िंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या और पैदा हो गई। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए, जो पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारी ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ से खेती करने की छूट भी दे दी जाएगी, बशर्ते गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनको वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए, अर्थात वनों में जो छोटी छोटी जो जगह थी वहां पर लोगों को बसा दिया गया। इसके बाद में देखिए, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संगमा द्वारा असम में और 1930 में दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। अर्थात जो उन्होंने नियम कानून बनाए थे उसके विरोध में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इस सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाले हैं ये समझने में आदिवासियों को समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कर्मी कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अर्थात जो व्यवसायी थे वो व्यवसायी इनका नुकसान कर रहे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अर्थात इनका शोषण किया जाता था, वेतन को इनको कम दिया जाता था और घर भी नहीं जाने दिया जाता था। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों, व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। इसके बाद में देखेंगे हम बिरसा मुंडा को कल की क्लास में, ठीक है।